say. ये देखो फिर से टिकटॉक को, फिर से विशाल ब्रो ने मेरे आर्ट मटेरियल को एक गेम जोन ही बना लिया है। उन्हें टिकटॉक खेलना इतना पसंद है तो मैंने सोचा क्यों ना हम टिकटॉक को एक इंटरेस्टिंग लुक दे दे, आउट ऑफ ऑर्डिनरी, एक्स्ट्राऑर्डिनरी। तो यही आइडिया जो मेरी सुपर मेकर दोस्त है ना ग्रीवा, हुज एन ऑसम रेजिन आर्टिस्ट, उसके साथ शेयर किया ना तो शी वाज लाइक के वी कैन डेफिनेटली डू समथिंग ऑसम। तो मैंने उन्हें ये असाइनमेंट दिया है और वो बस आती ही होंगी, कहां गई। Hey Griva. Hi. Hi. How are you? Thank you. I'm good. How are you? Very good. What an amazing workshop you have here. Thank you so much. तो आपको याद है ना मैंने आपको एक छोटा सा सीक्रेट असाइनमेंट दिया था टिक-टैक-टो वाला। Oh yes, I remember. I have an awesome idea for it. And don't worry, Vishal bro is gonna love it. You are the best. Thank you. Let's get started. आपको क्या-क्या चाहिए मटेरियल? हमें लगेगा रेजिन। Order. मिक्स करने के लिए वी नीड अ कप। स्टर करने के लिए वी कैन यूज अ पॉपसिकल स्टिक। रेजिन इज वेरी डेंजरस फॉर स्किन सो यू बेटर यूज रबर ग्लव्स एंड नॉट प्लास्टिक। हम इसका 3 पार्ट्स ऐड करेंगे, विल ऐड 1 पार्ट ऑफ हार्डनर। ओके सो अंटिल एंड अनलेस दिस ओपेक लिक्विड बिकम्स क्रिस्टल क्लियर वी नीड टू मिक्स इट। ग्रीवा हम इसे क्या थीम दे सकते जो हमारी टिकटॉक गेम बन रही है ना, व्हाट डू यू थिंक? हाउ अबाउट बीच, यानी कि वेव्स, सैंड। I think this is perfect. पहले हमें बनाना पड़ेगा बेस। तो वो हम किसका बनाएंगे? बेस हम बनाएंगे ब्राउन का। ब्राउन। We dip the popsicle stick. इसे बस कलर मिक्स हो जाए प्रॉपरली और दिखे हमें बाहर। तब तक स्टर कर। ओके। नेक्स्ट स्टेप ये है कि हम एक सिलिकॉन केक मोल्ड यूज करने वाले हैं। We have to make sure कि बबल्स ना आए, तो बहुत ही आराम से इसको पोर करना है। रेजिन को सूखने में लगेगा 24 आवर्स। तो ये बेस लेयर तो हो गया रेडी, नेक्स्ट स्टेप क्या है? अरेंजमेंट। किसका? सीशेल्स, सैंड। नेक्स्ट लेयर के लिए भी हमें फिर से रेजिन मिक्स करेंगे, उसमें डिफरेंट शेड्स ऑफ ब्लू डालेंगे। ओके मैं अरेंज करूंगी, तब तक आप रेजिन मिक्स करो। चलो ये भी कर सकते हैं। सैंड का पूरा एक लेयर बना दूंगी, जब हम रेजिन पोर करें तो वो अनइवन ना हो। हम यहाँ पे डेंट कर रहे हैं क्योंकि ये वाला लेयर क्लियर रेजिन के नीचे हमें दिखेगा, बट ये वाला लेयर हमें कलर्स के नीचे नहीं दिखने वाला, तो इसलिए हम इसको थोड़ा लाइट रख रहे हैं और उधर थोड़ा डेंस कर। अब देखो मैं इसमें डालूंगी स्टारफिश और सीशेल्स। तो ये हो गया अपना अरेंजमेंट रेडी। अब हमें चाहिए होंगे छोटे छोटे ग्लास कलर्स मिक्स करने के लिए। ओके पहले मैं रेजिन को डिवाइड करूंगी इन 3 पार्ट्स। अब मैं कलर्स ऐड करूंगी। ओके ब्लू, थोड़ा सा डार्क ब्लू ऐड करूंगी सो दैट ये थोड़ा डार्क हो जाए। सी वाटर में हम थोड़ा ग्रेडिएशन देंगे तो हम इससे थोड़ा डार्कर शेड बनाएंगे। आई थिंक दैट्स द परफेक्ट शेड। यस अब हम करेंगे इनको पोर। विल स्टार्ट विद डार्क कलर फर्स्ट ऑन वन कॉर्नर, थोड़ा क्लियर रेजिन इस कॉर्नर से, थोड़ा डार्क ब्लू इस कॉर्नर से। ओके लाइक दिस वीडियो के बीच में वो मर्ज हो जाए और जहां पर इनका मिलाप हो रहा है उधर अब ये लाइट ब्लू डालोगे। हाँ इसके बाद हम एक हीट गन यूज करेंगे, इससे बबल्स भी पॉप हो गए और कलर्स भी अच्छे से मिक्स हो गए। हम हमारे टिकटॉक की गेम के लिए एक्स एंड ओ बनाते हैं। तब तक एक्स एंड जीरोस बनाने के लिए क्या चाहिए? सिलिकॉन मोल्ड, अल्फाबेट्स वाले। व्हाट्स योर आइडिया ऑन कलर्स? आई थिंक वी शुड डू रेड एंड ब्लू। अब हमारे पास जो थोड़ा रेजिन है उसको हम डिफरेंट कलर्स के लिए डिवाइड कर देंगे, थोड़ा सा रेड, थोड़ा सा ये। सब्सक्राइब दिस चैनल। कैसे कलर्स मिक्स हो गए, पूरा एक स्कारलेट रेड शेड बना दिया। नाइस। आई विल टेक अ लिटिल बिट ऑफ कलर, जस्ट दिस मच, वी विल बी मिक्सिंग इट इन रेजिन। ओके नाउ इट्स ब्लू। परफेक्ट हम इसे पोर करेंगे पॉप्सिकल स्टिक्स के साथ बिकॉज मोल्ड वेरी स्मॉल तो ओवरफ्लो ना हो जाए, इसलिए स्टिक से थोड़ा थोड़ा करके पोर करेंगे। अभी हमने एक एग्स और एक ओ बनाया है, हमें ऐसे 4 और चाहिए होंगे। तो गाइस इसे भी सूखने में 24 आवर्स लगेंगे। अब मैं इसको इसमें से निकालती हूँ, आप इसको इसमें से निकालो। ऑलराइट वाओ एंड गाइस यही सेम प्रोसेस फॉलो करके हमने कुछ और एक्स एंड जीरोस बना दिए थे। जब हम टिकटॉक खेलते
तो वी हैव द लाइंस, तो हम वो पार्टीशंस बना सकते हैं क्या? हाँ बिल्कुल बना सकते हैं। उसके लिए हम यूज करेंगे ब्राउनी सिलिकॉन मोल्ड्स। इसकी जो गैप्स है ना, हम उसमें करेंगे रेजिन को कोट। नाउ वी नीड टू बी वेरी केयरफुल, क्योंकि इसकी जो बाउंड्री है ना वो बहुत ही पतली है। ऑल द जॉइंट्स आर द मेन पॉइंट्स जहाँ पे हम ज्यादा रेजिन पोर करेंगे। कमेंट ऑन दिस वीडियो विद द पॉप्सिकल स्टिक, वी आर गाइडिंग द रेजिन टू फिल अप द माइन्यूट गैप्स दैट हैव फॉर्म। अब इसको भी हम 24 आवर्स के लिए सूखने के लिए रख देंगे। सूखने के बाद वो कुछ ऐसा दिखेगा। अब इसे चिपकाए तो इसे हम चिपका सकते हैं ग्लू गन। इनके साथ में। ओके, अब इसे प्रेस करते हैं एंड आई थिंक इट्स डन।